आपने स्टफ पराठा, मेथी का पराठा बहुत खाया होगा। क्या कभी आपने इस तरह रोटी बनाए हैं? एक बार जरूर से बना के देखें। इस तरह अगर आप रोटी बनाएंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टफिंग्स में स्टफ कर सकेंगे, जिससे कि ये और भी स्वादिष्ट लगेगी। अगर आपको भी हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। देखिए कितनी अच्छी तरह से रोटी फूली है, कितनी अच्छी तरह से इसमें स्टफिंग है। इसके लिए हमने ये एक बंच मेथी पत्ता ले लिया था, उसे तोड़ के अच्छी तरह से धो लिया, सुखा लिया और देखिए बारीक बारीक काट लिया है। ये करीब 1 से 1.5 कप पत्ता है। इसमें 1 बड़ा चम्मच बेसन डालेंगे। अब कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें 1 हरी मिर्च बारीक काट लिया, 1/4 चम्मच लाल मिर्च, 1 पिंच हींग, 1/4 चम्मच काला नमक, 1/4 चम्मच अजवाइन, 1/4 चम्मच जीरा, नमक स्वादानुसार और 1 पिंच हल्दी। इन सबको डालेंगे। जितना चटपटा जितना मसालेदार आपको बनाना है उस हिसाब से डाल लें। इन सबको डाल के अच्छे से मिक्स करें, इस तरह प्रेस करते हुए मिक्स करें, चम्मच से इस तरह मसालों को मिला के अब हाथों से प्रेस करके इसे मिक्स करें अच्छे से। देखिए ये हमारी स्टफिंग रेडी है, पत्ता भी अच्छी तरह पानी छोड़ चुका है। अब हम आटे की छोटी सी लोई लेंगे, जो नॉर्मल हम आटा लगाते हैं वही है, उसमें सूखा आटा लगाएंगे, बेल लेंगे इसे। अब इसमें हम अच्छे से स्टफिंग डालेंगे। देखिए आटा जितना था उससे करीब डबल ये स्टफिंग है। इस तरह से अगर आप डालेंगे, बनाएंगे मेथी का पराठा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टफिंग इसमें डाल सकते हैं। इसे बंद करेंगे और ये ऊपर इसको हम निकाल देंगे, इससे बीच में भी मसाला बहुत ही अच्छी तरह से रहता है। अब इसमें फिर से हम सूखा आटा लगाएंगे और बेल लेंगे। अब गर्म तवे पे इस रोटी को डालेंगे, एक साइड से सिकने देंगे। एक साइड सिक जाने पे अब इसे पलटेंगे। देखिए कुछ इस तरह लाल लाल डॉट्स आ जाना चाहिए। इस साइड भी सिकने देंगे, फ्लेम को हाई में ही रखेंगे। दोनों ओर से ये अच्छी तरह से सिक चुका है। आज हम इसके पराठे नहीं बनाएंगे, रोटी बनाएंगे। तो डायरेक्ट गैस पे इस तरह सेके, फ्लेम पे, फ्लेम को हाई पे ही रखें, उलट पलट करते हुए दोनों ओर से अच्छे से सेक लें। देखिए दोनों ओर से कितनी अच्छी रोटी सेक के तैयार हुई है। सारी रोटी को इसी तरह सेक के तैयार कर लें। अब इस पे आप चाहे तो घी या फिर बटर कुछ भी लगा के सर्व करें। इसी तरह सारी रोटी को सेक के देखिए गरम गरम सर्व करें।